हेलो स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और आज का जो हमारा वीडियो है वो है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 12 सीबीएसई की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। क्लास 12 के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला पेपर भी इंग्लिश का है 27th को। आइए हम एक डिटेल स्टडी पढ़ाई की प्लान करते हैं और इस वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझिएगा। स्टूडेंट्स, आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इन दो महीने में यानी फरवरी और मार्च के अंदर, वो क्या क्या हैं? आइए एक बार उसको समझ लेते हैं। ये दो महीने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अगर मैं इनकी बात करता हूं, इन दो महीनों की, फरवरी और मार्च की, तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं पहले मैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। हमारा जो प्लान है वो 5th से शुरू हो जाएगा, यानी इस 5 तारीख से आप एक फाइनल पढ़ाई करनी शुरू कर देंगे और आप 26th को रुक जाएंगे क्योंकि 27th को है आपका पहला पेपर। ऑल द बेस्ट फॉर दैट पेपर। 27th के बाद कॉमर्स स्टूडेंट्स को जाना होगा और उनके लिए अगली जो डेट है वो है 5th मार्च। ये काफी अच्छा गैप है और आप यहां पर भी एक कॉन्क्रीट पढ़ाई कर सकते हो। 5th के बाद आपका अगला पेपर होगा 13th को, यानी 13 तारीख को, और 13 तारीख के बाद आपका पेपर है 17 तारीख को। ये गैप थोड़ा कम है और इसी गैप में आपका मैथ्स का पेपर है। उसकी स्ट्रेटजी भी हम आपको देने वाले हैं कि 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में जो दिन बचे हैं उसमें आप इस जाइगेंटिक सब्जेक्ट को कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बताइए, पहले समझते हैं पूरा एक प्लान। 17 तारीख के बाद अगला जो पेपर होने जा रहा है वो होने जा रहा है 24th को बीएसटी का, और उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे या एंट्रेंसेस की तैयारी करेंगे। याद रखिए, सारे के सारे पेपर, मैं फिर से बोल दूं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स और पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और जब भी आप फाइनल पेपर देने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, आप घबराना छोड़ेंगे, आप डरना छोड़ेंगे और आप एक बहुत अच्छे मूड से पेपर में अपीयर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं फुल डिटेल स्टडी प्लान, जिसको बनाया है हमारी टीम के टीचर्स ने, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स इन्वॉल्व हैं। ये रहा वो प्लान। बच्चों, आज है 5 तारीख और आज से हम शुरू कर रहे हैं अकाउंट्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखें, इन दोनों को मेजर रखना होगा, यानी 50% ऑफ द टाइम सेल्फ स्टडी का आप अकाउंट्स को देंगे और 50% टाइम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देंगे। 5 तारीख को ऐसा करेंगे, 6 तारीख को ऐसा करेंगे, 7 तारीख को ऐसा करेंगे और 8 तारीख को ऐसा करेंगे, यानी 4 दिन। अब हम कितनी देर पढ़े बच्चों, ये आप जानते ही हो कि 3 घंटे का पेपर होगा, यानी 3 घंटे की तैयारी तो लगातार आप स्कूल के प्री बोर्ड में या जहां भी आप पढ़ने जाते होंगे 3 घंटे की तैयारी तो कर ही रहोगे। तो 3 घंटे से पहले हिलना मत, यानी जब भी आप सेल्फ स्टडी शुरू करोगे तो 3-3 घंटे के स्लॉट्स तो दोगे ही दोगे। और इन दिनों आप 3-3 घंटे के 3 और 4 स्लॉट्स तो दोगे ही। तो याद रखिए, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि लगभग 9 से 12 घंटे तक की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। आप कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आप करके देखिए, पॉसिबल है और पॉसिबल है। देखिए, 4 दिन बीत चुके हैं, 5 तारीख को हम ये प्लान शुरू कर रहे हैं और 8 तारीख को हमने खत्म कर दिया। हमारे पास अकाउंट्स का 50% ऑफ द कोर्स खत्म हो चुका है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पूरी तरह से खत्म कर दी है। आइए देखते हैं कि अगले 3 दिन हम क्या करने वाले हैं। इन अगले 3 दिनों में भी हम अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं और साथ में अब ऐड कर देंगे बीएसटी। इकोनॉमिक्स छोड़कर हमने ऐड कर दिया है बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज की बुक 2 को हमने पहले लिया है। तो 3 दिन अकाउंट्स को मेजर और बीएसटी को भी मेजर रखते हुए, मेजर से हमारा मतलब है इक्वल टाइम देते हुए, हम लोग फाइनली अकाउंट्स को खत्म कर लेंगे। यानी इन 7 दिनों के अंदर हमने अकाउंट्स को पूरी तरह से खत्म कर लिया है और बीएसटी को हमने 3 दिन देकर लगभग बीएसटी की बुक 2 को भी खत्म कर लिया है। आज है 12th, यानी 12th फरवरी। हम क्या करेंगे, बीएसटी की बुक 2 की एंडिंग करेंगे। यानी अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं तो 5 घंटे बीएसटी की बुक 2 को लेते हुए और आखिरी में जितनी भी चीजें बच गई थी उनको खत्म करते हुए बुक 2 जो है मैं आज उसको समाप्त करने वाला हूं।
और मैं ऐड करने वाला हूं बीएसटी का बुक वन। बीएसटी की बुक वन ऐड करेंगे, अगले दिन जो है वो एक रेस्ट डे है। अगर आपकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ फाइल्स वाइल्स आपको चेक करानी है, स्कूल में जाना है या कुछ और कोई काम जो पेंडिंग है जो जरूरी है, तो आप इस दिन पूरा रेस्ट डे ले सकते हैं। रेस्ट डे का मतलब जब घर आप वापस आते हैं और सोने से पहले कुछ सैंपल पेपर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कर सकते हैं। यानी ये दिन आपके लिए एक रिट्रीट का दिन है, शांत दिन है, आप खाली भी बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए उस समय एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि एंग्जाइटी हो रही है तो आप पढ़ाइयाँ शुरू कर दो। इसके बाद शुरू होता है मैथ्स, यानी 14th को आप मैथ्स लोगे और बीएसटी करोगे बुक वन। बुक टू खत्म कर चुके हो, बुक वन पे आप आ गए हो, मैथ्स को 15th को भी लोगे, बीएसटी बुक वन करोगे। इधर आ जाते हैं, मैथ्स को 16 तारीख को भी लेंगे, बीएसटी बुक वन करेंगे और यहां पर बीएसटी की बुक वन जो है वो भी खत्म हो गई। और आप देख रहे हैं कि बीएसटी को हमने कितना टाइम दिया है, बीएसटी को हमने यहां 3 दिन और आधा दिन, और यहां पर भी आधा दिन और 3 दिन, यानी लगभग 3.5 days फॉर बुक टू, 3.5 days फॉर बुक वन। और यहां पर जब आप 17 तारीख को पहुंचोगे तो उस दिन सिर्फ मैथ्स करिएगा, क्योंकि मैथ्स के पेपर में मिले हैं आपको सबसे कम दिन। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि मैथ्स के स्टूडेंट लास्ट ईयर हमारे यहां क्या हुआ, 3 बच्चों के 100 आए जो भी हमारे साथ फेस टू फेस पढ़ रहे थे, और तीनों के तीनों कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो मैंने पूछा कि भाई कॉमन क्या है आप लोगों में, तो उन तीनों ने कहा क्योंकि मैथ्स सबसे बड़ा टारगेट था तो उसको अचीव करने में भी मजा आ रहा था। तो जब आपको दिन कम मिल रहे हैं तो ये एक दिन पूरे शेड्यूल के अंदर सिर्फ मैथ्स को हम डेडिकेट करेंगे, हालांकि इसका प्लान भी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए आगे बढ़ते हैं, 18 तारीख आ चुकी है, हम लोग मैथ्स करेंगे और इस बार अब ऐड कर देंगे इंडियन इको, यानी इकोनॉमिक्स वापस से ऐड कर देंगे, फिर से मैथ्स इंडियन इको, मैथ्स इंडियन इको, मैथ्स इंडियन इको। मैथ्स लगभग खत्म, इकोनॉमिक्स लगभग खत्म, बीएसटी पूरी खत्म, और हम इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का पेपर अब आ रहा है, बोर्ड एग्जाम धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हैं। जब हम 21 तारीख को सारा कुछ खत्म कर लेंगे तो हम 22 तारीख को फिर से एक रिट्रीट डे मनाएंगे। रिट्रीट मतलब जहां जिस दिन आप अपनी एक्टिविटी को कम रखोगे, आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। कौन कहता है ऐसा कि एग्जाम डेज में आप एंजॉय नहीं कर सकते? अगर आपको लगता है कि ये दिन आप सुबह कुछ पार्टी करना चाहते हो, ध्यान रखना खाने को लेकर और हेल्थ को लेकर, ये बहुत जरूरी है, या कोई कमिटमेंट आपकी है तो आप इस दिन पूरी कर सकते हैं। अब एक आखिरी स्लॉट, क्योंकि आप धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम पहुंच गए 23rd को, इंग्लिश को मेजर रखेंगे, यानी 6 से 7 घंटे हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और 2-2 घंटे या मिलाकर 3 घंटे हम अकाउंट्स और मैथ्स कर लेंगे। 24th को लगभग 7 घंटे के आसपास हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, 1-2 घंटा हम मैथ्स पढ़ लेंगे, और अगले 2 दिन सिर्फ इंग्लिश। इंग्लिश को अच्छे से समझते हुए, उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स को समझते हुए, सैंपल पेपर्स करते हुए, हम इन 2 दिन बहुत अच्छे से इंग्लिश सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि इस पूरे प्लान में क्या हम इंग्लिश सिर्फ इन 4 दिन पढ़े? नहीं, ये है फाइनल स्टडी प्लान। हम ऐसा मान रहे हैं कि आपने सारे सब्जेक्ट्स एक एक बार कर लिए होंगे और ये स्टडी प्लान है जो आपको धीरे 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 बोर्ड एग्जाम की तरफ ले जा रहा है। फिर भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर एक सब्जेक्ट 4-5 दिन भी उन्होंने नहीं करा तो उसको लूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लो इन दिनों एक अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स आप कर रहे हैं, तो लास्ट के आधे 1 घंटे आप इंग्लिश के सैंपल पेपर्स या इंग्लिश का कोई एक टॉपिक उठा सकते हैं। सिमिलरली जब इन दिनों आप बिल्कुल मैथ्स नहीं कर रहे तो आप मैथ्स के कुछ सैंपल पेपर्स या कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स उठा सकते हैं। तो आप चाहो तो इंग्लिश और मैथ्स को भी लगातार इसमें स्प्रेड कर सकते हो और इन 4 दिन में इंग्लिश करते हुए। और अब आप पहुंच गए हैं अपने बोर्ड सेंटर में पेपर देने के लिए, और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर को पूरे अटैकिंग मोड में दीजिएगा, और हाँ, इस स्टडी प्लान को अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन्स के साथ, टीचर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।